एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए। एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था। धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची, बेईमान और व्यभिचारी नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं, आमदनी का दसवांश आपको देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट कर ये कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, धार्मिक गुरु नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा और अपने घर गया। जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, योहन्ना, याकूब, योहन्ना, अपनी नाव इधर ले और हमारी सहायता करो, जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत काम है। बस काफी है, इतनी मछलियां बहुत है। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत, अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओगे।